हाय स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 7, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स चैप्टर 2. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3. सो फर्स्ट वी गो फॉर सम एग्जांपल्स हाउ वी डू इट. ऑलरेडी इन फ्रैक्शंस वी हैव done addition, subtraction, multiplication. Now we are going to do divide. So in divide I am going to solve a example 2.13. what is the question? Divide 3 by 8 by 2 by 7. अब देखो fractions में हमको divide करना है, ठीक है. फ्रैक्शंस में हम कैसे डिवाइड करते हैं वो देखना है. आपने अभी तक एडिशन का किया, सबट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, और हम डिवाइड में कैसे करेंगे वो देखना है, ठीक है. हम क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है. जैसे 3/8 है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड का सिंबल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको डिवाइड करना है. और फिर आपको 3/8 हमने ले लिया, डिवाइड 2/7. पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे. इसके बाद हम क्या करेंगे, 3/8 को हम एज इट इज रखेंगे एंड इसको हमको रेसिप्रोकल करना है, यानी 7 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा. फ्रैक्शन में डिवाइड में हमको रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है. अब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. अब ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन. तो मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है. अब चलो एग्जांपल हम लोग 2.14 करते हैं, ठीक है. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. अब इसमें क्या क्वेश्चन है, डिवाइड 4/5/7/11/14. अब इसमें देखो फिर से हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, बिकॉज विद द सिंबल्स वी हैव टू बी आइडेंटिफाई ये हमको फ्रैक्शंस का हम डिवीजन कर रहे हैं. अब इसको करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो इसको हमको फ्रैक्शंस के फॉर्म में लाना होगा, ठीक है. तो फ्रैक्शंस के फॉर्म में हम इसको लेके आ जाएंगे, ठीक है. ये हो गया हमारा 33, ठीक है, इनटू ये 14 ऊपर जाएगा और ये यहाँ रहेगा, ठीक है. अब अगर इसको तुम कट करना चाहो तो कट कर सकते हो, 7 2 14 और 11 3 33. अब क्या होगा, 3 × 2 करोगे तो आंसर विल बी 6. ये भी कर सकते हो आप, ठीक है. अब चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, 2.15. 2.15 में क्या है, मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है. इसमें हमको 12/3/4. अब इस तरीके का होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है. अब ये 3 से 12 को कट करोगे तो 3 4 12, और ये क्या हो जाएगा, 4 × 4 = 16. दिस विल बी योर आंसर, ठीक है. तो ये सब देखो अलग अलग टाइप का है, अच्छे से इसको समझ लो. फ्रैक्शंस में डिवाइड के अंदर क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इसको क्या करोगे, पहले विथ सिंबल आप ऐसे कर लोगे, और डिवाइड में हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्रैक्शंस है वो रेसिप्रोकल मोड में चला जाता है. जैसे 2/7 है तो ये 7/2 हो जाएगा. देन वी हैव टू डू द फॉर्मल जो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 7 × 3 = 21, 8 × 2 = 16, और ये फिर इस फ्रैक्शन में हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है. वी कैनॉट लीव दिस आइडल, बिकॉज फ्रैक्शन करें तो इसको हम आइडियल नहीं छोड़ सकते हैं, इसका हमको प्रोसेस आगे करना पड़ेगा. देन इट विल बी द एंड. एंड मैथ्स में क्या होता है कि जब तक आप आंसर फाइनल नहीं कर पाते हो तब तक आपको ये करना पड़ता है. अब देखो ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये देखो इसको क्या करना है, मैंने यहाँ पे फिर से डिवाइड के फॉर्म में यहाँ पे ले लिया और इसको हमने
रेसिप्रोकल कर दिया यहाँ पे, ठीक है, रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया, 14 ऊपर चला गया, 11 नीचे आ गया। तो इसको आप कट कर सकते हो, जैसे 7 2 14, जब आप 7 का टेबल पढ़ोगे तो 7 2 14 और 11 3 33। अब बचा क्या, 3 × 2, तो ये हो गया 6। अब देखो ये अलग टाइप का था, ठीक है, ये आपका देखो क्वेश्चंस अलग था, दिस इज लिटिल डिफरेंट वन, ठीक है। थोड़ा सा हम कलर चौक ले लेते हैं तो आपको अच्छा दिखेगा। ये क्वेश्चंस देखो अलग था, ये सारे क्वेश्चंस आपको अलग अलग टाइप के आएंगे। तो यहाँ पे क्या था, इस फॉर्म में था, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हम इसको लेके आ गए और कंप्लीट हो गया। फिर देखो ये जो क्वेश्चंस है आपका, ये डिफरेंट फॉर्म में है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये डिफरेंट फॉर्म है आपका, ठीक है। 12 / 3/4, अब आप सोचोगे कैसे होगा, बहुत सिंपल है, 12 लिखो, मल्टीप्लाई का साइन दो और इसको रेसिप्रोकल करो, और देखो ये 3 से 12 कट गया, 3 × 4 = 12 और 4 × 4 = 16। आपको दो चीज़ ध्यान रखना है, टेबल आपको सबको करना पड़ेगा, देर इज नो ऑप्शन विदाउट टेबल, दिक्कत होगी। चलो अब इसके बाद का आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इजीली, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूँ, देन वी डू फर्दर, हम आगे का बनाते हैं। जितना मैथ्स बनाओगे उतना क्लियरिटी होगा और इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलो अभी इसके बाद का हम लोग करते हैं, आई फॉलो योर बुक्स ओनली। चलो अभी एक और अलग टाइप का सम्स है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2.16। अब इसमें देखो क्वेश्चंस क्या है, डिवाइड, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ जिससे आप सबको क्लियर हो जाए, by 3/1/5, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 32 divide, पहले जो करना है हम उसके फॉर्म में इसको लेके आ जाएंगे। अब इसको क्या करते हैं, हम 32 × इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 16/5, ठीक है। अब जब इस फॉर्म में आएगा तो इसके बाद हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल करते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये 5/16, बट ऑब्वियस है 16 × 2 = 32, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 5 = 10, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो इसके बाद एग्जांपल 2.17 हम करते हैं, ठीक है, एग्जांपल 2.17। अब इसमें क्या है, मैं स्टोरी सम है इसलिए स्टोरी में लिखता नहीं हूँ, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू, तो आपके पास सबके पास बुक्स है ही, मैं इसको रीड करता हूँ। ए वुडन प्लंक ऑफ लेंथ 3/3/4 meter हैज़ टू बी कट इंटू 6 स्मॉलर पीसेज ऑफ इक्वल साइज। आपको पता है जब हमको कोई चीज़ डिवाइड करनी होती है तो क्या करते हैं, कट करना मतलब डिवाइड करना, यानी एक वुडन का प्लंक है जिसकी लंबाई है 3/3/4 meter, यानी ये हमको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आएंगे। हैज़ टू बी कट इंटू 6 smaller pieces और इसको 6 पार्ट में हमको कट करना है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस, तो बट ऑब्वियस है कि अगर हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे एंड वेन वी आर गोइंग टू डिवाइड विद 6, तो वील गेट द पीसेज और उसका हमको लेंथ निकालना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू राइट सम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बिना स्टोरी सम आपको नहीं बनाना है, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ द प्लंक, ठीक है, लेंथ ऑफ द प्लंक, और फिर क्या करेंगे हम, 3/3/4 meter इज इक्वल टू 15/4 meter। अब हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ पीसेस कितने करने हैं, 6। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच पीसेस, हमको एक एक पीस का लेंथ निकालना है, ठीक है, एक एक काम को लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15/4 / 6, जो हमको क्वेश्चंस में लिखा हुआ है
उतना लिखते हैं, पर आप यूनिट मत भूल जाना, यू हैव टू मेंशन मीटर। फिर इसको हम क्या करेंगे, 15/4, जब आप इनटू का साइन करोगे तब ये 1/6 हो जाएगा, दैट इज दिस इज गोइंग टू बी रेसिप्रोकल। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 15/24, और इसको जब कट करोगे तो क्या होगा, 5 3 15 और 8 3 8 3 24, तो आपका आंसर होगा 5/8 मीटर। ठीक है, क्लियर। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं फटाफट, स्टोरी सम, देन वी हैव टू मूव फर्दर फॉर द एक्सरसाइज। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, हम इसको रब करते हैं। आप सब रफ का नोट पैड लेके बैठो, तब आप मैथ्स बना पाओगे। आई नो दैट बहुत सारे लोगों ने फेयर बुक कम्प्लीट नहीं किया है, विच इज़ नॉट गुड। आप सबको सम्स बनाना है, फेयर बुक कम्प्लीट करना है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल 2.1। चलो एग्जाम्पल 2.1 हम लोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2.8। अब देखो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अमारा हैज़ ₹32, अमारा के पास ₹32 है। सी वॉन्ट्स टू बाई पेंसिल, उसको पेंसिल खरीदना है। ईच कॉस्टिंग 3/1/5, एक का कॉस्टिंग 3/1/5। हाउ मेनी पेंसिल कैन सी बाय, वो कितना पेंसिल खरीद सकती है। चलो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी, कितना रुपया है, ₹32। ऑलवेज यू राइट रुपीज बिफोर नंबर, कई लोग 32 रुपीज लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर आप ऐसे लिखते हो 32 रुपीज, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। आपको लिखना है ऐसे ₹32। अब कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल कितना है, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल। ठीक है, अब ईच पेंसिल का अगर आप कॉस्ट निकालते हो तो क्या करना होगा, देखो आपके क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 3/5, इसको क्या करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 16/5। चलो नाउ वी गो फॉर नंबर ऑफ पेंसिल, हमको निकालना है कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हैं। ठीक है, तो 32 / 16/5, अब इसको हमको सॉल्व करना होगा, 32 × 5/16, जब आप इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 5, यानी कि ₹10। तो नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हो गए, सॉरी हाँ 10 नंबर ऑफ पेंसिल्स हो गया आपका आंसर। रेडी, ओके, अब चलो एक्सरसाइज 2.3। अब एक्सरसाइज 2.3, अब इसमें कैसा है कि पहला जो सम है वो मैं एक बना देता हूँ, बाकी के आप घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत ही इजी है। पहला सम मैं बनाता हूँ 9/3/4, तो अब क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप है 9 × 4/3। ठीक है, अब ये 3 से कट करोगे तो 3 3 = 9, 3 × 4, दैट मीन्स वॉट, 4 3 = 12, आंसर। ओके, चलो अब मैं ये करता हूँ, देखो मैं क्वेश्चन 1 का 1, अब आ जाओ क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 का मैं पहला सम करता हूँ 5/3/2, अब इसमें क्या करेंगे, 5/3 × ठीक है, इंटू 2 है तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, 2/1, ठीक है, सॉरी 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/6, ओके। अब चलो इसके बाद बनाते हैं, हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन 3, ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। चलो थोड़ा फास्ट रहना है मैथ्स में हमको, अगर हम थोड़ा सा फास्ट बनाएंगे सम्स
तो हमको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोगों को मैथ्स बनाना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथ। आप मैथ्स जितना बनाओगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा। अभी तो आप सेवेंथ में हो, इफ़ यू गो फॉर ए हायर क्लासेज तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ सम्स। चलो अभी क्वेश्चन थ्री का मैं फर्स्ट बनाता हूँ। क्वेश्चन थ्री का फर्स्ट क्या है, 7/2 डिवाइडेड बाई 1/2। क्या करेंगे, 7/2 इंटू 2/1। हमको इमिडिएटली रेसिप्रोकल करना है, ठीक है, हमको इमिडिएटली रेसिप्रोकल करना है। अब जैसे इसको रेसिप्रोकल करो क्या होगा, 14/2। अभी 14/2 है तो 14 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 7, तो 7 आपका हो जाएगा आंसर। ओके, अब देखो इसके बाद बहुत सारे स्टोरी सम है, ठीक है, यू डू इट योर ओन, ट्राई योर सेल्फ। अगर नहीं होता है तो मैं आपको भेज दूंगा आंसर की, ठीक है, बट पहले आपको ट्राई करना है। अब चलो देखो डेसिमल्स नंबर है, ठीक है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ और आप खुद से प्रैक्टिस करना है आपको। तो मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर्स। अब आपको पता ही होगा कि डेसिमल्स नंबर्स में हम क्या करते हैं, फिफ्थ फोर्थ सिक्स में सब सीख चुके हैं। तो डेसिमल्स नंबर में जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया वैसे ही डेसिमल्स में एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड होता है। बट दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। जैसे देखो आपके बुक्स में मैं आपको दिखाऊँ कि एग्जाम्पल है 2.19। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, वो लिखता हूँ मैं, फाइंड 12+4.06 राइट +3.521। अब देखो ये क्या है, बड़ा सिंपल है, पर हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करना होगा। अब हम अरेंज कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। देखो 12 है तो यहाँ पे आप 12 लिख दो, यहाँ पे एक पॉइंट दे दो, ठीक है, पॉइंट देने के बाद आप कुछ मत करो। फिर देखो 4.06, देखो ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, फिर 3.521। अब इन जगहों पे जहाँ पे भी कुछ नहीं वहाँ पे आप 00 लिख दो, ठीक है। जैसे क्या है, जब आप इसको प्लस करोगे तो आप इजीली कर पाओगे। अब देखो जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे ही एडिशन करना है आपको, 0001 6 और 2 8, ये हो गया 5 4 2 6 6 और 3 9 और ये 1, तो दिस विल बी योर आंसर 19.581। सिर्फ आपको अरेंज करना होता है, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल्स रखना होता है। कोई भी नंबर विदाउट डेसिमल्स है दैट मीन्स दिस इज कमिंग इन द राइट साइड। ओके, तो ये है आपका डेसिमल्स का। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसे सम्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ और आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, देन ओनली अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है। डेसिमल्स में कुछ सम्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कन्वर्जन आएगा, रुपया है तो पैसे में कन्वर्ट करो, पैसा है तो रुपये में कन्वर्ट करो, किलोग्राम है तो ग्राम में कन्वर्ट करो, ऐसे बहुत सारे आपको सम्स आएंगे। तो आपको क्या करना है कि ऐसे सम्स को बनाने के लिए किस तरीके से आप करोगे, मैं आपको एक दो सम्स बताता हूँ। देखो जैसे एग्जाम्पल है 2.21, ठीक है, 2.21 एक्सप्रेस 9 पैसा इज रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस 9 पैसा, पैसा आप सबको पता ही होगा एज रुपीज। आप सबको पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा, ठीक है, रुपीज 1 का 100 पैसा। अगर कोई बोलेगा 2 रुपीज का कितना होगा तो बोलोगे 200 पैसा, इस तरीके से ये चलता है। अब इसको कन्वर्ट करना होगा तो क्या करोगे, तुम लिखोगे सिंस 100 पैसा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है, इसलिए 9 पैसा
इक्वल टू 9/100, ये आपको करना पड़ेगा। अब आपको पता ही है कि इसके हिसाब से मैं डेसिमल्स प्लेसेस कैसे करता हूँ, तो दिस विल बी योर आंसर। जैसे देखो यहाँ पे हमने 100 लिखा है तो 20 है, तो हमको क्या करना होगा, 9 के आगे 20 जाना पड़ेगा। तो हम 9 के आगे जब 20 जाएंगे तो 10 ये होगा, एक ये होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट आएगा और उसके बाद 0 आएगा। तो दिस विल बी योर आंसर, क्लियर। अब देखो इसमें और भी सम्स हैं, और भी बहुत सारे सम्स हैं कि 108 सेंटीमीटर एज ए मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चंस है कि एक्सप्रेस 8 सेंटीमीटर एज मीटर। आप सबको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब ये सब लर्न करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप लिखोगे सिंस 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए कितना है, 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8/100, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0.08, ठीक है, वेरी सिंपल। एक लास्ट है आपका 54 ग्राम एज केजी, ठीक है। तो मैं ये सब यहाँ बना देता हूँ, ये मैं सब यहाँ बना देता हूँ, 54 ग्राम एज केजी। अब इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आपको पता है कि 1 केजी इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो आप कैसे लिखोगे कि सिंस 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, इसलिए 54 ग्राम इज इक्वल टू 54/1000। तो यहाँ पे देखो 2 नंबर है, ये 20, इसके बाद क्या करोगे आप, इसका आंसर हो जाएगा 0054, यहाँ पे लिखोगे केजी, ठीक है। और यहाँ पे देखो मीटर लिखोगे, ठीक है, मीटर। तो इस तरीके से ये आपको यूनिट ज़रूर लिखना है, यूनिट आप लोग मत भूलना, ठीक है। तब इस तरीके से ये सम्स हैं और एक्सरसाइज 2.4 आपको कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, इस हिसाब से आप इसको बना लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।